गुड मॉर्निंग एवरीवन मु विभूति आपण मानू बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ एप्रिल मास 17 तारीख बुधवार। चलतु सकाळ खबर उपरे नजर पकेबा। नजर पकेबा पूर्वर समस्ती को सबुदिन परे रिक्वेस्ट, वीडियो को शेष पर्यंत देखिबा सहित समस्ते वीडियो को लाइक आ चैनल को सब्सक्राइब करे पाखरे आसतिबा ऑल बेल आइकन दबाया पई भूलिबे नाही। यह सहित आपण मानकर केउं जिला ब्लॉक निश्चित भाव कमेंट करेंगे। चलतु खबर उपरे नजर पकेबा। लेट्स स्टार्ट। अपडेट होचे उन्नतीकरण नहीं लोकंकर मतामत लोड़िले मुख्यमंत्री। वीडियो कॉल रे अंचलर विकास संपर्क में पचारि बुझिले उन्नतीकरण कार्य नहीं साधारण जनता मतामत नहीं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। पूर्वरु वॉइस कॉल करे मतामत लोडुथिले एबे वीडियो कॉल माध्यम रे लोकंक सह जोड़ी होइछंती मुख्यमंत्री। लोकंक सह कथा हेबा सहित अंचलर विकास कथा मध्य पचारि बुझिछंती। परवर्ती अपडेट होचे यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा फल प्रकाश पाइछे। आदित्य श्रीवास्तव एही परीक्षा रे प्रथम स्थान अधिकार करथिबा बेले आनिमेष प्रधान द्वितीय स्थान अधिकार करपरी डेनुर आनिन्य सेपरि रेड्डी तृतीय एवं पीके सिद्धांत रामकुमार एवं रोहिन चतुर्थ स्थान सेपरि पंचम स्थान हासिल करिसंती। पांच जन बालिका श्रेष्ठ दस रे स्थान पाई। परवर्ती अपडेट होचे पाकिस्तान रे प्रबल वर्षा हेतु गलाणी 49 जनकर जीवन नष्ट होलाणी अनेक घर। प्रबल वर्षा और वज्रपात जोगु पाकिस्तान परिस्थिति अत्यंत खराब हो जाए। वर्तमान पर्यंत देश में 49 जनकर मृत्यु होइछि। अनेक घर मध्य नष्ट हो सारी एवं रास्ताघाट सबुआड़े पानी रे परिपूर्ण हो उठी। तेबे प्रधानमंत्री शाहजाब शरीफ एही प्राकृतिक विपर्यय लोकंकु रिलीफ सहायता प्रदान करबाकु अधिकारी मानंकु निर्देश देइछंती। परवर्ती अपडेट होचे 24 तारिखर राज्य रे ग्रीष्म प्रभाव बढ़ीचे। आगुकु मध्य एहा जारी रहिबो। एथिपई पाणीपाग विभाग आसंता 5 दिन पई ग्रीष्म प्रभाव और उष्म आर्द्रता स्थिति नै विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिचे। तेब आश्वस्तिकर खबर यह जे 20 तारीख बेलू पागरे सामान्य परिवर्तन आसीपे। से ही दिन राज्य में किसी अंचल हालुका वर्षा होपे। से हीपरी 21 और 22 तारीख में मध्य राज्य में किसी स्थान में वर्षा मध्य होपे। परवर्ती अपडेट होचे छत्तीसगढ़ में बड़ माओ ऑपरेशन एनकाउंटर में 18 माओवादी निपात। जारी रही माओवादी निपात ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में पुणी बड़ एनकाउंटर कले जवान। 18 माओवादी मृत्यु होता सूचना। छत्तीसगढ़ कांकेर जिला छोटे बेटिया थाना कलपरे जंगल एनकाउंटर। तेबे माओ ऑपरेशन घटनास्थल 18 माओवादी समेत 7टी AK-47 बंदूक 3 LMG बंदूक जबत मध्य करिथिबा सूचना आसुअछि। परवर्ती अपडेट होचे सुना मूल्य रे वृद्धि रो धारा बंद होबार ना धरु नाही। सोमवार भुवनेश्वर रे 10 ग्राम पिछा 22 कैरेट सुनार दाम 550 टंका वृद्धि पाया जे 67,050 टंका होइछि। सेहिपरि 24 कैरेट सुनार दाम पुणी थरे 73,000 स्तर अतिक्रम करिछि। तेबे यार दाम 600 टंका आज पुणी वृद्धि पाई एवं 73,150 टंका होइछे। परवर्ती अपडेट होचे अनेकंकर स्वप्न थाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रे पाठ पढ़ीबा। आपणकर जदि NIT रे पढ़ीबार आपणकर स्वप्न पूर्ण होइना ही तेबे वर्तमान आपण एठारे काम करि निजर स्वप्न को पूर्ण करि पारिबे। एथिपई NIT एक निजुक्ति विज्ञापन प्रकाश करिछे। यह निजुक्ति माध्यम रे NIT दुर्गापुर रे असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पदवी पूर्ण होब। एथिपई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिबाकु पड़िबो। एही पदवी पई उभय पुरुष और महिला आवेदन करि पारिबे। एही निजुक्ति माध्यम रे मोट 43 पदवी पूरण हेबो। परवर्ती अपडेट होचे एणिकि जोमाटो रे एकाथरे के 50 जनकर खाद्य अर्डर करि परिबे लोके। तेबे फूड डेलीवरी कंपनी जोमाटो पक्षरो मंगलवार दिन
तेबे लार्ज अर्डर फ्लीट लॉन्च करा जायछि। एही फ्लीट माध्यम रे वर्तमान ग्राहक एका संगरे 50 लोकंकर खाद्य सीधा सळक जोमाटो रे अर्डर करि परिबे। कंपनी रो प्रयास एही सर्विस जरिया रे पार्टी बर्थडे बो अन्य इन्वेंटरे अर्डर प्राप्त करि निजरो मार्केट शेयर को बढ़ाइबा। जोमाटो रो सीईओ सहित एक एवं पद्मतर गोयल एक्स रे एक सोशल मीडिया पोस्ट रे कहिसंती जे एहा एक तेब ऑनलाइन संस्था एथिरे अधिक रो अधिक एणी की ऑर्डर करि परिबे। लोके परवर्ती अपडेट होचे बोर्ड परीक्षा पास न करथिबा छात्र छात्रिन को पई खुशी खबर। एणी की फेल हेले बे से माने विद्यालय जाई पाठ पढ़ी परिबे एवं तांको एडमिशन दिया जिवो। एथि पई खास सुविधा व्यवस्था करा जिवो एवं रेगुलर स्टूडेंट को परी क्लास अटेंडेंस करबा को अनुमति मिलिबो। तेबे एथिरे फेल हेबा परे पाठ पढ़ा छाड़ी देउथिबा छात्र छात्रिंकर संख्या हार्स करिबा लागे। तेबे बड़ पदक्षेप नेउछंती सरकार। रिपोर्ट मुताबक शिक्षा मंत्रालय खूब शीघ्र एने नियम आणिबा को जाउछंती एवं एही नियम समस्त राज्य पई लागू करा जिवो। एहा द्वारा दशम बा द्वादश फेल हेबा छात्र छात्रिन को रेगुलर स्टूडेंट को परी तेबे एडमिशन मिलिबो एवं तांको साधारण छात्र छात्रिन को परी सुविधा मान मध्य मिलिबो सूचना आसु अछि। परवर्ती अपडेट होचे मिलिबो लोकन को गरीब लोकन को आवास घर एबे आवेदन करंतु। तेबे बासहीन लोकन को एक आवास घर जोगाइबा पई नाना योजना कार्यकारी करुछंती केन्द्र सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना माध्यम रे एभली लोक को सुविधा जोगाई दिया जाउचे किंतु एबे भी एभली लोक अनेक परिवार रहिछंती जेउठी लोक को रहिबा पई घरटिए मिलि पारु नाही। एहा को दृष्टि रे रखी आरंभ होइछि नुआ योजना। एही योजना रे ग्रामांचल समेत सहरांचल बा सहर उपकंठ रे रहुथिबा परिवार को सुविधा जोगाई दिया जिवो। एही योजना रे हिताधिकारी को घर तयारी जागा बा जागा उपरे पक्का घर तयारी करबा को प्रोत्साहन जोगाई देउछंती सरकार। तेबे प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी हेबा को जागा न थिले मध्य एही योजना रे संपृक्त परिवार को जागा मध्य जोगाई दिया जाउचे। आसु अछि बड़ खुशी खबर। जागा न थिले आपण घर मध्य जागा दिया जेबो। सेहिभली घर निर्माण पई एही योजना रे 1,20,000 टंका मध्य जोगाई देउछंती। अनेक स्थान रे कलिन निर्माण कार्य पई बासहीन को बंटन भी आरंभ होईछि। गत वर्ष अगस्ट 15 तारिख रे एही योजना संपर्क रे घोषणा करथिले। घोषणा हेबार किछि मध्य रे किछि दिन मध्य रे एही योजना कार्यकारी होईतला। एबे लक्ष लक्ष हिताधिकारी एही योजना रे जोड़ी होईछंती। आपण माने एबे तुरंत आवेदन करंतु। परवर्ती अपडेट होचे स्टेट बैंक रे खाता थिबा लोकंक पई आसला खुशी खबर। आपणको मिलिबो अधिक इंटरेस्ट समस्त बैंक ठारो। एथिरे मध्य सुविधा अनेक रहिछे जानंतु। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्तमान ग्राहकंकु उत्कंठ सुविधा देउचे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नूतन स्कीम आरंभ करिछे जेउथेरे आपण पूंजी विनियोग कले अधिक रिटर्न पाइबे। एक सरकारी बैंक होइथिबारो आपणकर निवेश एठारे संपूर्ण सुरक्षित रहिबो। तेबे आज आम आपणको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे फिक्स डिपोजिट रे टंका विनियोग करी लक्ष लक्ष टंका रोजगार करि परिबे। चलित बर्षर प्रथम त्रैमासिक पई मध्य बहुत भल सुध हार प्रदान करुछि एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे फिक्स डिपोजिट रे विनियोग करी आपण केते सुध पाइबे एवं मैच्युरिटी समय रे आपण केते टंका पाइबे ताहा एठारे जानिबे। जदि आपण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे फिक्स डिपोजिट टंका विनियोग करंती तेबे सुध हार पूंजी विनियोग अवधि अनुजाई भिन्न होइथाय। जदि आपण एक वर्ष पई एसबीआई रे एफडी योजना रे विनियोग करंती तेबे आपणको 6.8% सुध हार सुविधा दिया जाउचे। एहा व्यतीत जदि आपण 2 वर्ष अवधि रे एफडी योजना रे विनियोग करंती तेबे आपणको 7% सुध हार लाभ दिया जाउचे। एवं जदि आपण 3 वर्ष रे एफडी योजना रे विनियोग करुछंती तेबे
ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 7% ସୁଧ ହାର ଲାଭ ମିଳିବ ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ ସହିତ ମିଳିବ 500 ଟଙ୍କାରେ LPG ଗ୍ୟାସ। ସରକାର କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଗ୍ୟାସ ସବସିଡ଼ିରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳୁଛି। ଏକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପରେ ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ଘୋଷଣା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରା ତେବା ଅଂଶ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଦେଇଥିବା 6ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଜନକଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 500 ଟଙ୍କାରେ LPG ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଋଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ତେବେ ଆପଣ ଯଦି 50,000 ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 75% ଋଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 1,000 ଟଙ୍କା। ଏକ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ BJP ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,000 ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ BJP ସରକାର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସୁଅଛି ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3,100 ଟଙ୍କା ହୋଇବ। ଏହା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଜ୍ୟପାତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଜ୍ୟପାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ସହ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆସିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ମାଉସୀ ଘର ଅଭିମୁଖେ ରୁଙ୍କୁଣା ରଥରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁଙ୍କୁଣା ରଥ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି। ତେବେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ତେବେ ହାତେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରଥ ଟଣା ଦେଖିବାକୁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଆସୁଅଛି। ବାସ୍ ଏଇଥିଲା ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।